अड़ने में, भिड़ने में, टक्कर लेने में कोई पीछे नहीं रहते, धीरज जी आप जानते हो। लेकिन जहाज की जनता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने पिछले 3 हफ्ते में धीरज जी का कई किलो वजन घटा दिया। इतना दुबला पतला देख रहा है मेरे को धीरज, पिछले महीने भर में 5 किलो वजन कम करा दिया। मैं आप आश्वासन देता हूँ, अगले साल जो महासंग्राम लोकसभा का होगा, वहाँ भाजपा का दिल्ली वाले इंजन भी हम फेल कर देंगे और जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आई हैं, हम सब उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन आप सब इस बात को ध्यान रखना, पिछली बार एक चूक हो गई थी, धीरज जी विधायक नहीं बने, सरकार कांग्रेस की आ गई। लेकिन ऊपर वाले का ये आशीर्वाद जनता के ऊपर है कि एक बार दोबारा हमको मौका मिल रहा है 25 तारीख को, इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी और आपका विधायक धीरज गुर्जर जीत कर यहां से जाएगा और जयपुर में आपकी नुमाइंदगी करेगा। धीरज जी को आप और हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, छात्र संघ की राजनीति करते थे, युवक कांग्रेस में काम किया, पार्टी में काम किया, आपके विधायक रहे। और धीरज की एक बात मैं कहना चाहता हूं, जज्बाती आदमी हैं, जज्बात से आपके बीच में काम करते हैं, एक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता है। अड़ने में, भिड़ने में, टक्कर लेने में कोई पीछे नहीं रहते, धीरज जी आप जानते हो। लेकिन जहाज की जनता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने पिछले 3 हफ्ते में धीरज जी का कई किलो वजन घटा दिया। इतना दुबला पतला देख रहा है मेरे को धीरज, पिछले महीने भर में 5 किलो वजन कम करा दिया। ये मेहनत हो रही है पार्टी को जिताने की। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के नेता क्या कलाकारी का भाषण देते हैं, लचीले लचीले भाषण, रेशमी रेशमी झंडे, झूठ सच मिलाकर भगवान का नाम, धर्म का नाम, मंदिर का नाम, मस्जिद का नाम और वोट बटोर के जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, देश भर में लोग जागरूक हो गए। ये भाजपा के साथी क्या बोलते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, यही बोलते हैं ना हर जगह। ये डबल इंजन की सरकार के बारे में बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जी ने प्रचार किया और हिमाचल प्रदेश में भाजपा का एक इंजन सीज हो गया। फिर प्रियंका जी ने, राहुल जी ने कर्नाटक में प्रचार किया, वहां पर ही बहुत गीत गाते थे, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, कर्नाटक का इंजन भी सीज हो गया। अब 25 तारीख को आप धीरज जी के वोट डालकर कांग्रेस को जिताकर यहां सरकार बना दो। मैं आप आश्वासन देता हूं, अगले साल जो महासंग्राम लोकसभा का होगा, वहां भाजपा का दिल्ली वाले इंजन भी हम फेल कर देंगे और जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां आज आए हो, इस बात का प्रतीक है कि पिछले 5 साल जनता की सेवा करने में धीरज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और पिछले चंद महीनों से मैं देख रहा हूं, गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर, हर छोटे बड़े से मिलकर, हर परिवार को, हर समुदाय को साथ लेकर, और जो धर्म का काम किया है, 1 लाख रुद्राक्ष आपके बीच में बांट दिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए साथियों, आज प्रियंका जी, मैं, हम सभी साथी आपसे खबर निवेदन करने के लिए आए हैं, हमें किसी के झांसे में नहीं आना। और ये सीट, इस सीट पर सबकी नजर है, बड़े बड़े नेता यहां आने वाले हैं, लेकिन आज आपकी मौजूदगी, आपका जोश, आपका उत्साह, ये बात साफ दिखाता है कि 25 तारीख को आप लोग बटन कांग्रेस का दबाओगे और 3 तारीख को धीरज जी यहां से विधायक बनकर आपके बीच के जयपुर जाएंगे। दोस्तों, हम लोग कई बार मिलते रहते हैं, इस क्षेत्र ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, 36 कौमों को धीरज जी ने हमेशा आगे लेकर बढ़े हैं और आज प्रियंका जी खुद हमारी पार्टी के लिए, धीरज जी के लिए वोट मांगने आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे और भारी तादाद में सब भाई धर्म जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट डालेंगे। और ये भाजपा के साथी ये प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की भीड़ देखी है मैंने, मीटिंग, कोई दम नहीं।
भाजपा के नेता जबरदस्ती भाषण दे रहे हैं और भगवान का नाम लेके, धर्म का नाम लेके वोट मांगते हैं। और आप सब जानते हो, राजस्थान के लोग, भीलवाड़ा के लोग, जहाजपुर के लोग, मुझसे ज्यादा राम राम सा कौन बोलता है? ये राम की बात करते हैं, राम राम सा वाले हम लोग हैं। आप तो बस मुंह से बोलते हो और फिर काम खत्म। इसलिए साथियों, मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारी बातें भूलकर किसी के बहकावे में, किसी के कहने में हमको नहीं आना। हम सबको 36 कौम के साथियों को मिलकर धीरज जी को यहां से विधायक बनाना है। मैं भी टोंक से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं जब विधानसभा के सत्र खुले तो मैं और धीरज दोनों विधायक बनकर जयपुर पहुंचे आपके साथ। इसलिए एक बार पुनः मैं प्रियंका जी का स्वागत करता हूं इस पवित्र धरती पर। यहाँ के लोगों का जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। और आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए धीरज जी को आशीर्वाद देने के लिए, प्रियंका जी को सुनने के लिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।